हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल आज हम बात करेंगे महिंद्रा की सेफेस एस के बारे में एक्स यू वी थ्री डबल ओ फर्थ जनरेशन मॉडल आप ये देख रहे हैं जो मिलेगा आपको थ्री इंजन ऑप्शन के साथ जो मिलता आपको है आपको बी एस सिक्स टेज टू कम्पलाइट इंजन आर डी ई नॉर्म्स को अब ये फुलफिल करेंगे तीनों इंजनस पहला मिलता है आपको वन पॉइंट फाइव लीटर डीजल इंजन दूसरा मिलता है आपको वन पॉइंट टू लीटर टर्बो जी डी आई इंजन एंड तीसरा मिलेगा आपको वन पॉइंट टू लीटर टर्बो एम पी एफ आई इंजन टोटल ट्वेंटी वन वर्जन मिलते हैं आपको इधर शुरू होता है नौ लाख साठ हजार रुपए से लेकर सोलह लाख पचासी हजार रुपए तक और जो सामने मॉडल देख रहे हैं टर्बो स्पोर्ट का टॉप मॉडल डब्लू एट ऑप्शन जो पड़ेगा आपको चौदह लाख नब्बे हजार रुपए का टोन का भी ऑप्शन है वो मिलेगा आपको पंद्रह हजार रुपए महंगा एक शोरूम से यहाँ पे मिलते हैं आपको कई सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स टर्बोस्पोर्ट मॉडल के साथ पारों ब्लैक फिनिश में मिलेगी आपको ग्रिल ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाता है आपको ओवरऑल आप देख सकते हैं बीच में आपको महिंद्रा का नया लोगो एंड टर्बो स्पोर्ट मॉडल के साथ मिलता है आपको रेड एक्सिंग का काम अपर ग्रिल एंड लोअर ग्रिल पे जो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी एंड राइट हैंड साइड पे मिलेगा आपको इसका टो हुक सिल्वर स्कट प्लेट का फीचर मिल जाता है आपको फ्रंट बम्पर पे और यहाँ मिलता है आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर का फीचर टोटल दो मिलेंगे आपको ये दूसरा सेंसर फ्रंट वॉकलैंप जो मिलेंगे आपको हेलोजन बल्ब के साथ हाउसिंग मिलेगी आपको प्यान और ब्लैक फिनिश में ये इसका एलईडी डीआरएल और यहाँ मिलते हैं आपको प्रोजेक्टर हेडलम्प्स लो बीम के साथ हाई बीम के साथ मिलते हैं आपको मल्टीफ्लेक्टर फॉलो मी होम एंड लीड मी टू वहीकल हेडलम्प का भी फीचर मिल जाता है आपको इधर टर्न इंडिकेटर मिलेगा आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही एंड सस्पेंशन की बात करें तो आगे आपको मिलेगा मैक पेड विद एंटी रोल बार का सस्पेंशन पीछे मिलेगा आपको टू स्पिम सस्पेंशन कॉल स्प्रिंग के साथ अंडर इंजन कवर का भी फीचर मिल जाता है आपको एक्स्यू वी थ्री डबल ओ में एंड इतने साइज की मिलेगी आपको यहाँ पे फ्रंट विंड शील्ड ऐसे दिखता है इसका इंजन बोनेट यहाँ पे मिलते हैं आपको कट्स एंड क्रेसेज दो सिंगल ब्लेड वाइपर्स मिलते हैं आपको दो वॉशर के साथ और यहाँ पे मिलता है आपको रेन सेंसिंग फ्रंट वाइपर्स का फीचर यहाँ पे मिलेगा आपको सेंसर फ्रंट सेक्शन के लिए ए पिलर मिलता है आपको पियानो ब्लैक फिनिश में एंड टर्बो स्पोर्ट मॉडल के साथ मिलते हैं आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ओ आर वी एम विद एल ई डी टर्न इंडिकेटर इधर मिलेंगे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील सिक्सन इंच में पहले आपको सेवनटीन इंच मिलते थे अब जो डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं ऑल फोर डिस्क प्लेक्स का फीचर मिलता है आपको इधर फीचर मिलेगा आपको महिंद्रा का नया लोगो ट्विन पिक लोगो टायर सेक्शन की बात करें तो मिलेगा आपको इधर 205 by 65 बाई सिक्सटी ट्यूबलेस टायर वहीलास्ट क्लाइडिंग का भी फीचर मिल जाता है आपको इधर मार्ट ब्लैक फिनिश मिलेगा साइड अंडर बॉडी एंड साइड बॉडी क्लैडिंग का भी फीचर है जो है स्टैंडर्ड फीचर XUV300 के साथ स्मार्ट एंट्री सिस्टम का फीचर मिलता है आपको इस वेरियंट में बॉडी कलर आउट डोर हैंडल्स एक्वेस्टर का फीचर मिलेगा आपको सिर्फ ड्राइवर साइड डोर पे ही विंडो क्रोम बेट का फीचर नहीं अवेलेबल है बी मिलता है आपको मार्ट ब्लैक फिनिश में एंड मिलेगा आपको ग्रॉसी ब्लैक फिनिश के साथ ऐसे देखते हैं इसकी रूफ़ रेल्स यहाँ पे भी आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाता है एंड मैट ब्लैक फिनिश इलेक्ट्रिक सन रूफ का फीचर मिलता है आपको जो आता है एंटी पंच के साथ ऐसा दिखता है इसका रूफ पीछे मिलता है आपको रूफ़ एंटीना शार्क एंटीना का फीचर अवेलेबल नहीं है रेयर स्पॉयलर भी मिल जाता है आपको इधर और ऐसे दिखता है इसका कंप्लीट रेयर प्रोफाइल लुक एक्स यू वी थ्री डबल ओ के टॉप मॉडल का यह है डब्ल्यू एट ऑप्शनल वेरियंट सिल्वर स्केट प्लेट का फीचर मिल जाता है आपको रेयर बम्पर पर भी लाइक फ्रंट बम्पर वारंटी की बात करें तो थ्री ईयर्स या अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको इधर इसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू फाइव ईयर्स अलॉन्ग विद रोड साइड असिस्टेंस एल ई डी टेल्प्स का फीचर मिलता है आपको इधर स्टैंडर्ड एंड टेल गेट के लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेगी आपको वेरियंट की बैजिंग ये है टर्बो स्पोर्ट मॉडल तो इसलिए आपको यहाँ पे रेड फिनिश में मिलेगी डब्लू एट ऑप्शनल वेरियंट यहाँ पे है एक्स यू वी थ्री डबल की बैजिंग ये इसका रिफ्लेक्टर रेयर फॉकलम का फीचर अवेलेबल नहीं है एंड पीछे वाले बम्पर पर भी आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे पहले मिलते थे आपको चार ये इसका टोइंग हुक सिल्वर स्केट प्लेट मिलती है आपको बैक साइज़ की रेयर बंपर पे यहाँ पे इसका एग्जॉट पाइप राइट इन साइड पे अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको इधर 180 सौ अस्सी एम का और इधर मिलते हैं आपको एल ई टेल लैंप्स जो है स्टैंडर्ड फीचर काफ़ी शानदार लगते हैं ये ऑन होने के बाद टर्न इंडिकेटर मिलेगा आपको हेलोजन बल्ब में एंड बीच में मिलता है आपको महिंद्रा कार्टून पर एक नया लोगो इसके नीचे है रिवॉर्स पार्किंग कैमरा जो आता है अडाप्टिव गाइडलाइंस के साथ रियर में आपको वाइपर विद वॉशर का फीचर मिल जाएगा रेयर डिफॉगर हाई अमाउंट स्टॉप ले एल ई में एंड लेफ्ट फ्रेंडर पर मिलती है, आपको टर्ब और जी डी आई इंजन की बैजिंग जो आपको राइट हैंड साइड पे नहीं मिलती आइए इसका बूट खोल के देखते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक बटन मिलता है आपको इधर इधर मिल जाएगा आपको टू हंड्रेड फिफ्टी सेवन लीटर्स का बूट स्पेस रेयर पार्सल ट्रेक का फीचर अवेलेबल नहीं है लेकिन आपको प्रोविजन मिल जाता है आप लगवा सकते हैं एज एसेसरी ऐसा देखता है इसका बूट ये इसकी लोडिंग लिप जो ठीक ठाक है एंड इस गाड़ी के साथ मिलता है आपको एडजस्टेबल बूट फ्लोर का फीचर फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर इधर भी आप बूट ट्रे को लगा सकते हैं ऐसा दिखता है इसका बूट इधर मिलेगा आपको इसका स्पेयर टायर एंड टूल किट आप देख सकते हैं नॉर्मल स्टील व्हील मिलता है आपको इधर ब्लैक फिनिश में यहाँ पे है प्रोविज़न रेयर पासल ट्रे को लगाने के लिए लगे स्लैम्प या लगे छुक का फीचर देखने को नहीं मिल रहा इधर और आप सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट फोल्ड कर सकते हैं और ज़्यादा बूट स्पेस पाने के लिए इससे मिल जाता है आपको कुछ इतना बूट स्पेस सेकेंड रो को फोल्ड डाउन करने के बाद काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस मिल जाता है आपको फोल्ड डाउन करने के बाद एमरजेंसी एग्जिट का भी फीचर अवेलेबल है एक्स यू वी थ्री डबल ओ में यहाँ पे मिलता है आपको ग्रैब हैंडल आइए इस बूट को बंद कर देते हैं आइए इसका रेयर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं सिंगल टोन में मिलती है आपको डो पार्टिंग ये है टर्बो स्पोर्ट मॉडल ऐसा दिखता है इसका राइट हैंड साइड का रेयर पैसेंजर डोर क्रोम फिनिश के साथ मिलेगा आपको इसका इन डोर हैंडल आप देख सकते हैं लॉकअल लॉक बटन भी आपको क्रोम फिनिश के साथ ही मिलता है सराउंडिंग मिलेगी आपको इधर मैट ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ पे है हार्ड प्लास्टिक और यहाँ पे मिलता है आपको लेदर इंसर्ट ब्लैक लेदर मिलेगा आपको इधर टर्बो स्पोर्ट मॉडल में पियानो ब्लैक फिनिश ओवरऑल पावर विंडो का स्विच मिलता है आपको सिल्वर फिनिश में विद इल्यूमिनेशन स्टोरेज स्पेस और यहाँ पे प्लेसमेंट है स्पीकर की नीचे मिलती है आपको डो पॉकेट बैक साइज की वन लीटर बॉटल होल्डर के साथ चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो मिलता है आपको दोनों रियर डोर्स पे टर्बो स्पोर्ट मॉडल के साथ मिलेगा आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम का फीचर जो अदर मॉडल्स में अवेलेबल नहीं है तीन एडजस्टेबल हेडब्रेट्स मिलते हैं आपको प्रीमियम लेदर सीट अपोस्ट्री मिलती है आपको ब्लैक फिनिश में जो लग रही है काफी ज्यादा शानदार एंड स्पोर्टी स्टिचिंग का भी काम देखने को मिल जाएगा अंडर थाई सपोर्ट एंड साइड बोल्स रिंग काफी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है आपको इधर रेयर में आमरेस्क का फीचर भी अवेलेबल है जो आता है दो कप होल्डर फीचर के साथ आई सोफेक्स टाइल चेंज माउंट्स भी मिल जाता है आपको सेकेंड रो में ये है स्टैंडर्ड फीचर तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे आपको ऐसे देखता है इसका इंटीरियर ग्रे कलर की मिलती है आपको रूफ लाइनिंग छब्बीस सौ एम एम का व्हील बेस मिलता है आपको एक्स वी थ्री डबल ओ में यह है इसका मैक्सिमम लेग स्पेस ड्राइवर सीट बिल्कुल आगे है और यह है इसका मिनिमम लेग स्पेस को ड्राइवर सीट बिल्कुल पीछे है फ्लैट फ्लोर का फीचर मिलता है आपको इधर हम काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है बंजी स्ट्रैप का फीचर मिलता है आपको दोनों फ्रंट टू सीट्स के पीछे ये फीचर अवेलेबल है सिर्फ टॉप मॉडल के साथ ही यहाँ पे मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक वेयर एसी वेंट का फीचर अवेलेबल नहीं है जो बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है एडजस्टेबल हेडब्रेस्ट और फ्रंट रो सीट्स शोल्डर हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट टोटल तीन फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिलते हैं आपको कोटुक का फीचर मिलता है आपको सेकेंड रो में सिक्स ए बैग का फीचर मिलता है आपको इधर वी पिलर पर एन ई पिलर पे आप देख सकते हैं एस आर एस एग की बैजिंग और यहाँ पे भी यहाँ पे मिलता है आपको कोटुक का फीचर रीडिंग लाइट का फीचर मिलेगा आपको हेलोजन बल्ब के साथ और इधर मिलता है आपको इलेक्ट्रिक सन रूफ का फीचर सन ब्लाइंड्स को आप मैनवली ऐसे खोल सकते हैं ये मिलेगा आपको एंटी एंटीपेंच के साथ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट डैश फ्रिट लुक और ब्लैक इंटीरियर थीम मिलती है आपको टर्बो स्पोर्ट मॉडल में जो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी सिल्वर का भी काम देखने को मिल जाएगा इस इंटीरियर थीम में स्पोर्टी पैडल्स का भी फीचर मिलता है आपको इस मॉडल के साथ ऐसा मिलेगा आपको इसका साइड प्रोफाइल डायमेंशनस की बात करें तो लेंथ मिलेगी आपको थ्री नाइन डबल फाइव विथ है वन एट टू वन हाइट है वन सिक्स टू सेवन एंड व्हील बेस है ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड एम एम का ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ मिलेगा आपको वन एटी एम एम का ग्राउंड क्लियरेंस फ्रंट इंजन एंड फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको एक्स यू वी थ्री डबल ओ में टर्निंग रेडियस मिलेगा आपको फाइव पॉइंट थ्री मीटर्स एंड कॉवेट डिपेंड करेगा वेरियंट टू वेरियंट पे एंड टॉप मॉडल के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ मिलेंगे आपको टोटल सिक्स एयर बैग्स ए बी एस विदी बी डी ISOFIX, Corner braking Control, ESP with rollover Mitigation, Hill Start Assist, Front Parking Sensors, Reverse Parking Sensors, Reverse Parking Camera with Adaptive Guidelines, Blue Sense Plus Connected Application, auto AutoDimming IRVM, Automatic Headlamps, Rain Sensing Front Wipers, Speed Sensing Auto Door Lock, Impact Sensing Auto Door Unlock, Three Point Seat Belts for All Seats, Seat Belt Reminder with buzzer for Driver and Co-Driver, Front Seat Belts with Pre-Tensioner and Force Limiters. Collapsible steering and side intrusion beams, all four disc brakes, tire position display, smart steering system, anti-theft alarm, panic braking signal, immobilizer, central locking with smart entry system, rear door child safety lock. की लेफ्ट वार्निंग लैप विद बजर डोर अजार टेल गेट इंजन बोनेट हेडल्प ऑन एंड लो फ्यूल वार्निंग इंडिकेटर जैसे सेफ्टी से फीचर्स मिलते हैं आपको एक्स्यू वी थ्री डबल ओ के टॉप मॉडल में एंड ग्लोबल एंड कैप में मिले इसको फाइव स्टार की रेटिंग फॉर द एडल्ट ऑक्यूपेंसी पॉइंट्स मिले इसको सिक्सटीन पॉइंट फोर टू के आउट ऑफ सेवेंटी एंड चाइल्ड में मिले इसको फोर स्टार की रेटिंग पॉइंट्स मिले इसको थर्टी सेवन पॉइंट डबल फोर के आउट ऑफ फोर्टी नाइन और ऐसे मिलते हैं आपको इसके टेल लैंप ऑन होने के बाद विद टर्न इंडिकेटर हलोजन बल्ब के साथ मिलते हैं आपको इसके टर्न इंडिकेटर एंड लाइसेंस प्लेट के लिए लाइट्स एक्स एंड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है एक्स यू वी इसी प्लेटफॉर्म पर बनती है सैंगयोग तिवोली जो इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल होती है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है नासिक महाराष्ट्र इंडिया में इसकी असेंबली होती है फेब्ररी 2019 को सबसे पहले लॉन्च हुई थी महिंद्रा एक्स यू वी इंडिया में बिग साइज़ की एलईडी ई डी मिलती हैं आपको एक्स यू वी में और ऐसे देखते हैं इसके एल डे टाइम रनिंग लाइट्स ऑन होने के बाद विट टन इंडिकेटर हलोजन बल्ब के साथ मिलता है आपको इसका प्रोजेक्टर हेडलेम का सेटअप एंड फॉगलेम का सेटअप आप देख सकते हैं लोबी मिलेगा आपको प्रोजेक्टर हेडलम्प के साथ ये है इसका हाई बीम प्रोफाइल फॉलो मी होम एंड लीड मी टू वहीकल हेडलिम का भी फीचर मिल जाता है आपको इधर ये है ऑटोमेटिक एंड इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी आता है के नाम से उधर आपको बूट स्पेस एंड डायमेंशन में बदलाव मिलेगा रिव्यू आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन से अंडर महिंद्रा रिव्यूज आप देख सकते हैं वो लॉन्च हुआ है 11 सितंबर 2022 को एंड टर्बो स्पोर्ट मॉडल के साथ मिलते हैं आपको थ्री कलर ऑप्शन मोनोटोन एंड टोन के साथ यहाँ पे मिलते हैं आपको ब्लेजिंग ब्रॉन्स नपोली ब्लैक एंड पर्ल व्हाइट जो आप सामने देख रहे हैं इसके साथ आपको टोन का भी ऑप्शन मिल जाता है जो मिलता है आपको पंद्रह हजार रुपये महंगा एक शोरूम से वाइट मिलेगा आपको ब्लैक रूफ के साथ ब्लेजिंग ब्राउन्स भी मिलेगा आपको ब्लैक रूफ के साथ एंड नपोली ब्लैक मिलेगा आपको व्हाइट रूफ के साथ आप कोई भी चूज कर सकते हैं टबोस्पोट में एंड अदर मॉडल्स में मिलते हैं आपको छह कलर ऑप्शन जो आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड टॉप मॉडल के साथ मिलता है आपको ब्लू सेंस प्लस एप्लीकेशन का फीचर उधर मिलती है आपको एक साल की सब्सक्रिप्शन फ्री कॉम्प्लीमेंट्री कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको एप्लीकेशन में लाइक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अलर्ट्स वहीकल इन्फॉर्मेशन अलर्ट्स लाइव वहीकल ट्रैकिंग टाइम एंड जियो कई सारे फीचर्स हैं और ऐसे देखते हैं इसका नपोली ब्लैक कलर विद वाइट प्रूफ और यहाँ पे मिलती है आपको दो रिमोट की लॉक अनलॉक एंड बूट खोलने के बटन के साथ ऑटो फोल्डेबल ओर विंगस का फीचर नहीं मिलता आपको एक्स वी थ्री डबल के किसी भी वेरिएंट में मिडल वाले बटन से आप बूट को खोल पाएंगे महिंद्रा का नया लोगो एमरजेंसी के टाइम पे आप फ्लिप की की मदद से भी इस गेट को खोल पाएंगे स्मार्ट एंट्री सिस्टम का फीचर मिलता है आपको टॉप मॉडल में रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिलेगा आपको सिर्फ ड्राइवर साइड डोर पर ही ऐसा देखता है इसका ड्राइवर साइड डोर सिंगल डोर में मिलती है आपको डो पार्डिंग जो है ब्लैक फिनिश क्रोम फिनिश इन डोर हैंडल मिलता है आपको लॉक अनलॉक बटन के साथ सराउंडिंग मिलती है आपको मार्ट ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट नीचे मिलता है आपको स्पीकर सिल्वर फिनिश के साथ मिलते हैं आपको यहाँ पे पावर विंडो के स्विचेस ऑटो अप या ऑटो डाउन का फीचर मिलता है आपको एंटी एंटीपंच के साथ ड्राइवर साइड पावर विंडो पे सारे बटन मिलते हैं आपको एलिमिनेटेड ये रिया पावर विंडोज को लॉक करने के लिए मैनुअल सेंटर लॉकिंग का बटन और इधर से आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड अट्रैक्ट ओ आरबीएम्स को ये फीचर मिलता है आपको इधर एंड फ्रंट टू डोर्स पे मिलती है आपको बिग साइज की डो पॉकेट ट्विन कप होल्डर का फीचर मिलता है आपको इधर अम्ब्रेला होल्डर का फीचर अवेलेबल नहीं है जो कॉम्पिटिशन ऑफर करता है और रिफ्लेक्टर का भी फीचर मिल जाता है आपको फ्रंट टू डोर्स पे डोर माउंटेड आम्रेस पे मिलता है आपको ब्लैक लेदर इंसर्ट हाई क्वालिटी का यहाँ पे है हार्ड प्लास्टिक डोर पार्टिंग पे और इधर मिल जाता है आपको स्टोरेज स्पेस सराउंडिंग मिलेगी आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में जो तो लग रही है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ऐसा दिखता है इंटीरियर ड्राइवर साइड से ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम मिलती है आपको टर्बो स्पोर्ट मॉडल के साथ यहाँ पे सिल्वर एक्शन का भी काम देखने को मिल जाएगा ब्लैक लेदर राइट सीट आप मिलती है आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ और ऐसे दिखता है इसका कैबिन लुक आगे और पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है आपको इस कैबिन में आप देख सकते हैं पीछे आराम से तीन लोग बैठ सकते हैं बेस्ट इन सेगमेंट लेग स्पेस मिलता है आपको एक्स यू वी के साथ अदर मॉडल्स के रिव्यूज़ आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन से अंडर महिंद्रा रिव्यूज़ और ऐसे देखते हैं इसकी ब्लैक लेदर सीट्स वाइट सेचिंग का काम देखने को मिल जाएगा बोल स्ट्रिंग आप देख सकते हैं पोफोरेटेड लेदर मिलता है आपको इधर वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स का फीचर नहीं मिलता आपको किसी भी वेरियंट में यहाँ पे टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको बिग साइज की जो है ब्लैक फिनिश में ड्राइवर सीट को रिक्लाइन करने के लिए मिलता है आपको यहाँ पे लीवर हाइट को एडजस्ट करने के लिए और यहाँ से कर सकते हैं आप स्लाइड ड्राइवर सीट को शोल्डेट खोलने के लिए लीवर यहाँ से खोल सकते हैं आप इंजन बोनेट को इसकी पार्डल पोजिशनिंग डेड पेडल का फीचर अवेलेबल नहीं है इधर और यहाँ पे फ्यूज बॉक्स हाई बीम एडजस्टर नॉप और इधर मिल जाता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ बटन नीचे है आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन और साथ में है पार्किंग सेंसर्स ऑन एंड ऑफ बटन यहाँ पे है सिल्वर एक्सन का काम दोनों साइड ऐसा दिखता है इसका ए सी इवेंट क्लासिक ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाता है आपको इधर सराउंडिंग मिलेगी आपको सिल्वर एक्सन के साथ जो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एंड स्पोर्टी यहाँ से नॉप से आप लो स्पीड को कर सकते हैं ऑन या ऑफ क्रोम एक्सन के साथ मिलता है आपको इसका ए सी नॉप आई गाड़ी के अंदर चलते हैं ऐसा मिलेगा आपको इसका कैबन लुक डब्ल्यू एट ऑप्शनल स्पोर्ट वेरियंट का यह ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग व्हील का फीचर मिलता है आपको इधर और ये इसका एमिनेशन लुक रेड कलर की लिमिनेशन लाइट का फीचर मिलता है आपको एक से वी थ्री डबल ओ में जो आपको पोर्ट्स पे भी देखने को मिल जाएगा ब्लू फ्रिश में ऐसा देखते हैं इसका स्टेयरिंग व्हील जो मिलेगा आपको लेदर आप ऐसी कुछ क्वालिटी मिलेगी आपको इधर थम कंट्रोल का भी फीचर मिल जाता है आपको इधर एंड राइट हैंड साइड पर मिलते हैं आपको क्रूज कंट्रोल्स रेड कलर की लिमिनेशन लाइट मिलती है आपको वॉइस कमांड का भी फीचर मिलता है आपको इधर डेडिकेटेड बटन मिलेगा आपको राइट हैंड साइड पर एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेंगे आपको ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स यहाँ पे भी सिल्वर एक्सनर का काम देखने को मिल जाता है जो आपको इधर देखने को मिल जाएगा ओवरऑल महिंद्रा का लोगो ये इसका हॉर्न सेटअप स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको टिल्ट वे में ही मिलेगा टेलीस्कोपिक अवेलेबल नहीं है वन वे में आप कर पाएंगे एंड राइट हैंड साइड लेवर पे मिलते हैं आपको लाइट इंडिकेटर कंट्रोल्स ऑटोमेटिक हेडलम मिलता है आपको इधर और साथ में है फॉग्रम के कंट्रोल वेयर प्रोग्लम का फीचर नहीं मिलता हालांकि आपको यहाँ पे फंक्शन मिलता है और ये डमी बटन यहाँ पे है फ्रंट वाइपर एंड रेयर वाइपर के कंट्रोल विद वॉशर्स यहाँ पे सिल्वर का काम सेंटोफ एशिया पे जो आपको टच स्क्रीन के सराउंडिंग में मिलता है और यहाँ पे है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दोनों साइड क्रोम का काम मिलता है आपको ए सी नॉक्स पे और यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट एंड ग्लॉसी ब्लैक फिनिश साथ में है ट्वीटर की प्लेसमेंट नीचे मिलता है आपको स्पीकर टोटल टू ट्विटर्स एंड फोर स्पीकर्स मिलते हैं आपको और यहाँ पे है स्टोरेज स्पेस बढ़िया स्पेस मिल जाता है आपको इधर नीचे मिलता है आपको ह्यूज साइज का ग्लब बॉक्स अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है आपको इधर कई सारा सामान आप इजीली यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे एलुमिनेशन लाइट का भी फीचर मिल जाएगा आपको इधर जब आप इग्निशन को ऑन करेंगे तब ये लाइट ऑन होती है कुछ इस तरीके से हेलोजन बल्ब का सेटअप मिलेगा आइए इसको बंद कर देते हैं यू एस पी एन ऑक्स के पोर्ट्स पे भी आपको ब्लू कलर की एल्यूमिनेशन लाइट का फीचर मिलता है आप देख सकते हैं दो यू एस पी पोर्ट मिडल में मिलता है आपको ऑक्स पोर्ट का फीचर नीचे है ट्वेल्व वोल्ट का सॉकेट और यहाँ पे भी आपको लाइट का फीचर मिल जाता है ऑरेंज कलर की इतना आपको स्पेस मिलता है आपको इधर इधर मिलेगा आपको फर्स्ट इन सेगमेंट डुअल जोन ऑटोमेटिक ए का फीचर जो कॉम्पटिशन ऑफर नहीं करता है हज़ार लाइट का बटन और ये एम के कंट्रोल्स और साथ में है स्टेयरिंग मोड के कंट्रोल इधर से आप तीन मोड सेलेक्ट कर पाएंगे और यहाँ पे एयर एयर डी फॉकर और पैसेंजर एयरबैक ऑन या ऑफ है इधर नोटिफाई करता है एंड स्पोर्ट मॉडल मिलेगा आपको सिक्स स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ही ए का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इस इंजन के साथ ऐसी कुछ क्वालिटी मिलती है आपको नॉप पे और यहाँ पे है सिल्वर एक्सन का काम ये बॉक्स यूनिट के ओवरऑल सेक्शन में लेदर इंसर्ट यहाँ पे है पियानो ब्लैक फिनिश दो कप होल्डर मिलते हैं आपको बिग साइज़ के एंड इसके साथ में हैंड ब्रेक हैं क्रोम टिप के साथ फ्रंट सेक्शन में आपको आमरेज का भी फीचर मिल जाएगा लेदर इंसर्ट का फीचर मिलता है आपको इधर अंदर मिल जाती है आपको कुछ इतनी स्पेस आराम से आप अपना स्मार्टफोन या वॉलेट रख सकते हैं एंड पैसेंजर साइड वाइजर की बात करें तो यहाँ मिलता है आपको वैनिटी मिरर प्लस लाइट का फीचर हेलोजन बल्ब मिलता है आपको इधर एल देना चाहिए था और इधर मिलते हैं आपको सन के कंट्रोल रीडिंग लाइट का फीचर मिलेगा आपको हेलोजन बल्ब के साथ उसके आगे है सन होल्डर इतने साइज़ का मिलता है आपको यहाँ पे सन होल्डर ऑटो डेमिंग आयर मिलता है आपको बढ़िया फ़ीचर ये फीचर मिलता है आपको टॉप मॉडल के साथ ही एंड ड्राइवर साइड सन वाइजर पर आपको कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता नॉट ए वेंटिकेट होल्डर और यहाँ पे मिलेगा आपको ब्लूटूथ माइक ड्राइवर साइड पे इधर मिलता है आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन क्रोबनिंग फीचर के साथ आइए गाड़ी को ऑन कर लेते हैं ऐसा मिलता है आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे मिलेगा आपको सुपरविजन क्लस्टर टी स्क्रीन के साथ जो मिलता है आपको थ्री इंच में ये इसका कैबन लुक गाड़ी को ऑन करने के बाद रेड कलर की एलुमिनेशन लाइट मिलती है आपको बटन्स पे एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेगा आपको आरपी मीटर राइट हैंड साइड पर मिलेगा आपको यहाँ पे स्पीडो ये टेम्परेचर मीटर और साथ में है फ्यूल मीटर इन साथ में देखने को मिलता है आपको टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स यहाँ पे ट्रिप की इनफॉर्मेशन डिजिटल टाइम एंड आउटसाइड टेमपेचर डिस्प्ले का भी फीचर देखने मिल को मिल जाता है एस एम पे एंड एस एम को एक्सेस करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे बटन इधर से आप एक्सेस कर पाएंगे ट्रिप इनफॉर्मेशन एवरेज स्पीड डिस्टेंस टू ट्वेंटी डिजिटल स्पीड ट्राएप्रेश इफॉर्मेशन ट्राएट्रॉनिक्स का फीचर मिलता है आपको इधर बढ़िया फीचर टेम्परेचर भी आप चेक कर पाएंगे ये सेटिंग्स कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको कलर सेटिंग इधर से आप डाइल्स का कलर चेंज कर पाएंगे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं रेड येलो स्काई ब्लू ब्लू ऑफ भी कर सकते हैं और वाइट भी मिलता है आपको डे टाइम पे अलग मिलेगा एंड नाइट टाइम पे आपको अलग मिलेगा इग्निशन ऑन करने के बाद ये चेंज हो जाता है ब्राइटनेस को भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं इस एम आई डी के मदद से और उसके नीचे मिलता है आपको टेम्परेचर सेटिंग इधर से आप फेर नाइट या सेल्सियस सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली ये प्रेशर सेटिंग इधर से भी आप यूनिट्स को चेंज कर पाएंगे ओवर स्पीड फ्लैश इधर से आप अनेबल या डिसेबल कर पाएंगे वेलकम साउंड को भी आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं एंड इसके नीचे मिलेगा आपको एग्जिट का ऑप्शन तो ये सब फ़ीचर्स मिलते हैं आपको और यहाँ पे स्टेयरिंग मोड्स का फीचर मिलता है इस बटन से आप तीन स्टेयरिंग मोड्स को एक्सेस कर पाएंगे कंफर्ट मोड अगला मिलता है आपको नॉर्मल मोड एंड तीसरा मिलेगा आपको स्पोर्ट मोड आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं तीनों मोड्स आपको डिफरेंट मिलते हैं और यहाँ पे मिलता है आपको सेवन इंच का टच स्क्रीन इन्फरटेनमेंट सिस्टम कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा जो आता है गाइडलाइंस के साथ कई सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे आपको इधर जो आप इधर से एक्सेस कर पाएंगे गाइडलाइंस का फीचर मिलता है आपको इधर क्वालिटी आप देख सकते हैं ठीक ठाक क्वालिटी मिलती है आपको इधर से आप साउंड को भी ऑफ कर सकते हैं तो सेंसर्स आपको एम आई डी पे देखने को नहीं मिलता दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको आगे और पीछे भी आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे इधर कोई भी डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा तो ऐसी कुछ क्वालिटी मिलती है आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की और यहाँ से आप इसको ऐसे बंद कर सकते हैं ये सिस्टम सपोर्ट करता है ईको सेंस को भी कई सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है आप कई सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाएंगे सेटिंग्स में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और ये सेटिंग्स सिस्टम सेटिंग लैंग्वेज को भी आप सेक्ट कर पाएंगे प्रोग्राम स्विच एंड रीसेट भी कर पाएंगे ये कनेक्टिविटी सेटिंग सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले ब्लू सेंस एप्लीकेशन को स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है सिस्टम रेडियो यू एस बी ऑक्स कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको इधर ये डिस्प्ले की सेटिंग इधर से आप डिस्प्ले की सेटिंग कर पाएंगे वॉल पेपर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली एंड यूनिट्स को भी आप सेलेक्ट कर पाएंगे टोटल फोर स्पीकर्स एंड टू ट्विटर्स मिलते हैं आपको और यहाँ से आप साउंड की सेटिंग्स कर पाएंगे कई सारे मोड्स मिल जाते हैं आपको टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलता है आपको और यहाँ से आप डिस्प्ले को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं और इधर आपको डेडिकेटेड बटन भी मिलते हैं ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी आप एवरेज फ्यूल इकोनॉमी चेक कर सकते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा की सेटिंग ये सर्फ इन्फॉर्मेशन और डी आर एल्स को आप इधर से ऑन ऑफ़ कर सकते हैं डेडिकेटेड बटन्स मिलते हैं आपको ऐसी कुछ क्वालिटी मिलती है आपको और इको सेंस में भी आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कई सारे फीचर्स आप एक्सेस कर पाएंगे ब्लू सेंस प्लस एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है सिस्टम एक साल की सब्सक्रिप्शन मिलती है आपको फ्री महिंद्रा के द्वारा यहाँ पे मिलता है आपको डूबल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल फर्स्ट सिंग सेगमेंट फीचर ये फीचर आपको कंपटीशन ऑफर नहीं करता नॉप मिलता है आपको सिल्वर एक्सिंग के साथ रेयर एसी वेंट का फीचर नहीं मिलता है आपको एक्स यू थ्री डबल ओ में एंड डूबल जोन को आप इधर से ऑन या ऑफ़ भी कर सकते हैं इस तरीके से ये फीचर मिलता है आपको डब्लू एंड डब्लू एट ऑप्शनल के साथ अदो वेरियंट्स में ये फीचर अवेलेबल नहीं है डूबल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का मेमरी को भी आप इधर सेट कर सकते हैं उसके ऊपर मिलता है आपको डी का फीचर एंड राइट हैंड साइड टेम्परेचर को आप इधर से सेट से कर सकते हैं मिनिमम टेम्पेचर मिलता है आपको यहाँ पे 18 डिग्री का एंड लाइकवाइज आप लेफ्ट हैंड साइड टेम्परेचर को इधर से सेट से कर सकते हैं यहाँ पे मिलता है आपको टेम्परेचर का बटन ये रे सी का फीचर नहीं मिलता है आपको एक्स्यू वी थ्री डबल ओ में जो देना चाहिए था जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एंड पावर विंडो के बटन मिलते हैं आपको एलुमिनेशन इफेक्ट के साथ ऑटो अप या ऑटो डाउन का फीचर मिलता है आपको डबल साइड पावर विंडो पे जो आता है टिप पिंच के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड ट्रैक कर पाएंगे आप ओ को से सिंक्रोनाइजेशन ऑटो फोल्डेबल ओ आर का फीचर नहीं मिलता आपको एक्सीू वी थ्री डबल ओ के किसी भी मॉडल में जो देना चाहिए था जो कंपटीशन ऑफर करता है इस तरीके से आप रिट्रैक कर पाएंगे मैनुअली और यहाँ पे मिलता है आपको माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का बटन एंड ठीक इसके ऊपर मिलेगा आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ बटन जो नोटिफाई करता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर और साथ में मिलेगा आपको पार्किंग सेंसर्स अनेबल या डिसेबल का बटन इधर से आप अनेबल या डिसेबल कर पाएंगे पार्किंग सेंसर्स को तो ये सब फ़ीचर्स मिलते हैं आपको इधर ये इसका कैबन लुक गाड़ी कॉन करने के बाद इलेक्ट्रिक सन रूफ का फीचर मिलता है आपको इधर इधर से आप टिल्ट भी कर पाएंगे सन रूफ को इतना कुछ मैक्सिमम टिल्ट कर पाएंगे और इसी बटन से आप इसको खोल भी सकते हैं वन टच से या आता है टिप इंच के साथ इतना कुछ मैक्सिमम स्पेस मिल जाता है सन रूफ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलता है आपको विंड डिफ्लेक्टर कुछ ऐसी क्वालिटी मिलती है आपको सनरोफ़ की रूफ लाइनिंग मिलती है आपको ग्रे फिनिश में और इसी बटन से आप इसको ऐसे बंद कर पाएंगे वन टच से एंड सन ब्लाइंड को आप मैनवली खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं कुछ इस तरीके से तो ये सब फीचर्स मिलते हैं आपको इधर एंड गाड़ी को बंद करने के बाद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ये है इसकी डोर हजार वार्निंग यहाँ से खोल सकते हैं आप फ्यूल लेट को 42 टू लीटर्स की मिलती है आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी एक बार में आप बयालीस लीटर्स का पेट्रोल डलवा सकते हैं इस गाड़ी में यहाँ से खोल सकते हैं आप इंजन बोनेट को डांपिंग का फीचर मिलता है आपको इधर फॉर बेटर इंसुलेशन अंडर इंजन गार्ड भी मिल जाता है आपको एक्स यू के साथ यहाँ पे मिलते हैं आपको बी एस एक्स चेज इंजन ऑप्शन तीन इंजन ऑप्शन मिलेंगे आरडी नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं एंड सामने देखने को मिल रहा है 1.2 लीटर का एम स्टैलियन टर्बो चार्ज जी इंजन ये है थ्री सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 129 ट्वेंटी की पावर 230 थर्टी एन टॉक के साथ 18.2 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी माइलेज क्लेम करती है और आता है सिक्सपीड नॉर्मल गेर बॉक्स के साथ ही ए का ऑप्शन नहीं मिलता आपको टर्बो स्पोर्ट मॉडल के साथ अदर टू इंजन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐसी कुछ फिगर्स मिलती हैं आपको डीजल इंजन में मिलेगी आपको 115 सौ की पावर एंड पेट्रोल के साथ मिलेगी आपको 109 सौ की पावर एंड ये दोनों इंजन मिलते हैं आपको स्पीड मैनुअल या सिक्स पीड ए एम टी गेयर बॉक्स के साथ तो कैसी लगी आपको एक्स्यू थ्री डबल ओ कमेंट्स में बताइए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग